खरगोन पुलिस ने अंग्रेजी ब्रांड की नकली जहरीली शराब बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। तीन आरोपी गिरफ्तार कर खंडवा जिले के मोरगड्डी में नकली अंग्रेजी शराब बनाने के अड्डे पर छापामार कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में नकली ब्रांड लेबल सामग्री जब्त की है। पिछले दिनों खाटू श्याम दर्शन के लिए सनावद थाना क्षेत्र की ढकला गांव के दो ग्रामीणों की चित्तौड़गढ़ में मौत के बाद पुलिस एक्शन में आई थी और एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने एसआईटी का गठन किया था। आरोपी ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए नकली अवैध जहरीली शराब अंग्रेजी शराब की बोतल में भरकर बेचते थे। छापामार कार्रवाई के दौरान मौके से 542 लीटर स्प्रिट सहित नकली अंग्रेजी शराब की बोतलों में इस्तेमाल होने वाले 6320 ढक्कन, 1509 नग पेपर बॉक्स, 9021 स्टीकर, 10775 नग होलोग्राम और बॉटल पैक करने की मशीन जब्त की गई है। पुलिस ने नकली शराब का निर्माण करने वाले मुख्य आरोपी खंडवा जिले कालका प्रसाद निवासी मोरगड्डी और खरगोन जिले के सनावद के दो आरोपियों रोहित प्रजापत और लकी उर्फ गौरव जायसवाल को किया गिरफ्तार किया है। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बडवाह में प्रेस वार्ता कर नकली और जहरीली शराब बनाने का खुलासा किया है। मीडिया को एसपी ने बताया कि राजस्थान चित्तौड़गढ़ में खाटू श्याम के दर्शन में गए दो युवकों की मौत के बाद पुलिस ने नकली शराब बनाने के इस मामले का भंडाफोड़ किया है। पकड़े गए आरोपी खरगोन और खंडवा जिले में अवैध नकली अंग्रेजी शराब बनाकर बेचते थे। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इधर सूत्रों की जानकारी आ रही है कि पकड़े गए तीनों आरोपियों के तार नकली अंग्रेजी शराब बनाने वाले इंदौर के शराब माफियाओं से जुड़े हुए है। निमाड मालवा क्षेत्र में नकली जहरीली शराब सप्लाई करते थे। पिछले दिनों मंदसौर, इंदौर, खंडवा और खरगोन के सनावद में जहरीली शराब से मौत के तार भी जुड़े हो सकते है। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। सनावद थाने में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें कुछ लोग जो ढकल गांव क्षेत्र के रहने वाले थे वो खाटू श्याम जी के दर्शन करने और सावरिया जी के दर्शन करने राजस्थान गए हुए थे, तो उससे जाने से पूर्व उनके द्वारा यहां से लोकल लेवल पे शराब खरीदी गई थी और उस शराब का सेवन करने के बाद जैसा उनके द्वारा बताया गया कि उनकी तबीयत खराब हुई थी और उनमें से दो लोगों की जो है फिर फाइनली डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद वहाँ पे जहाँ उनकी डेथ हुई थी चित्तौड़गढ़ जिले में, वहाँ उन पर अपराध की कायमी हुई जैसा कि उनके परिजनों द्वारा बयान दिया गया और उसकी कायमी के बाद राजस्थान पुलिस द्वारा हमारे पास इसकी जानकारी दी गई और हमें वो डायरी सौंपी गई। जैसे ही हम लोगों को इसकी जानकारी मिली तत्काल हमने इसमें कार्रवाई करते हुए प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT गठित की और उस SIT में हम लोगों ने इसमें पता लगाने का प्रयास किया कि यह पूरा घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ है। इसमें जिनसे इन लोगों ने शराब खरीदी थी, सबसे पहले एक लकी जसवाल नाम का व्यक्ति था, उसके द्वारा हम लोग उसके एक अन्य व्यक्ति के पास पहुंचे जो रोहित प्रजापत, जहां से वो शराब लाना बताया था, और रोहित प्रजापत के माध्यम से हम लोग कालका प्रसाद नाम के व्यक्ति के पास पहुंचे और जब कालका प्रसाद से हम लोगों ने हिम्मत अमली से पूछताछ की तो उसके द्वारा जो है वो शराब बना के बोतल करके बेचना बताया गया। उसके यहाँ जब हम लोगों ने तलाशी दी, दबिश दी, तो उसके यहाँ से हम लोगों को ये पूरा शराब, अवैध शराब बनाने का जो है सामग्री वहाँ से हम लोगों को प्राप्त हुई, जिसमें कि खाली बॉटल्स, उसके लेबल्स, उसके होलोग्राम्स, उसके ढक्कन और पैक करने का सामान और साथ में स्पिरिट जो ये है ये हमें उसके यहाँ से मिली। इसमें जब हम लोगों ने खंडवा की पुलिस है उसके साथ भी हम लोगों ने साथ में इसमें उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन की तो उनके यहाँ पे भी अभी जो घटना हुई थी उसके भी तार इससे कालका से ही जुड़े हुए थे और संभवतः जो अन्य लोग हैं जो इस मामले से जुड़े हुए हैं जिनके विषय में हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो आने वाले समय में उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा।